एक जो इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि एक ऐसी कोई खबर हो सकती है क्या जो सबके इंटरेस्ट की हो सकती है, देशव्यापी इंटरेस्ट की। अब मैं उस पर आऊं तो किसानों की जो खबर है उसमें मेरे मध्य प्रदेश के पाठकों की या छत्तीसगढ़ के पाठकों की, राजस्थान के पाठकों की, दक्षिण के पाठकों की कोई रुचि नहीं होगी। मैं वो जो मैंने बात शुरू की थी कैचमेंट एरिया की, और छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल के पिता की गिरफ्तारी, वो सबसे बड़ी खबर इसलिए है कि ये प्रदेश किसी के बाप का नहीं है, या ये कोई भी प्रदेश मुख्यमंत्री के बाप का नहीं है। ये मैं जो कहूं कि इतिहास की सबसे बड़ी खबर, मतलब स्वतंत्रता संग्राम प्राप्ति के बाद की, मैं इसको सबसे बड़ी खबर इसलिए मानता हूं कि जिस तरह की राजनीति आज देश में व्याप्त है, मतलब आप अगर वहां से चलें कि उनके पिता ने जो ब्राह्मणों के खिलाफ कहा उस पर मुख्यमंत्री ने जो प्रतिक्रिया दी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, फिर उनके खिलाफ FIR हुई और फिर गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे गए। आप बताइए कि मुझे ये जो खबर है, करनाल का जो एजिटेशन है वो एक ऑन गोइंग एजिटेशन है। मैं थोड़ा सा मैं जिस लिहाज से सोचता था चीजों को वो बता रहा हूं कि एक चीज ऑन गोइंग है और वो पिछले नवंबर से चल रही है, और अभी महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में। हो सकता है कि बनारस में जब महापंचायत हो तो और भी बड़ा इम्पैक्ट हो, और गोरखपुर में तो हो सकता है टेरर जो महापंचायत पर बहुत बड़े किस्म का हो जाए। उत्तर से लगा के दक्षिण तक और पूर्व से लगा के पश्चिम तक आदमी की इस खबर पर में रुचि हो सके, ये एक अब बालक मुद्दा है कि इस खबर को आप किस एंगल से लिखते हैं। कि एक मुख्यमंत्री, आप सोचिए कि उस मुख्यमंत्री का अपने राज में, जहां एक सिंहदेव नाम के जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं या सेकंड मैन हैं, जो इस दावेदारी कर रहे हैं अपने, कह रहे हैं कि 2.5 साल का एग्रीमेंट कोई अनरिटर्न है और मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, वहां पर भूपेश बघेल इस तरह का साहस दिखाते हैं कि वो कानून के राज में यकीन करते हैं। आज जो पूरी दिक्कत है देश में वो यही है कि कानून के राज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं किसी भी राज्य में, और जो मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसी स्थिति में एक आदमी खड़ा होके अपने पिता को बचाने की कोशिश नहीं करता है, और न ही पिता जो है वो कह रहा है कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, उससे गलती हुई है। मैंने कहा है कि लिखने का तरीका क्या हो सकता है। दक्षिण की पूरी राजनीति बाप बेटों पर चल रही है, बंगाल की पूरी राजनीति भतीजावाद पर चल रही है, और भतीजे को बुलाया गया ईडी के सामने दिल्ली में। ऐसे मौके पर एक आदमी खड़ा होके कानून के राज की बात कर रहा है, ये देश की राजनीति में और समाज में एक नए तरह का विश्वास यकीन पैदा करता है। मैंने वही कहा कि एक्सेप्शनल क्या है और ऑनगोइंग क्या है। मैं इसको एक्सेप्शनल मानता हूं, और जो एक पत्रकार है, जो संपादक है, वो एक्सेप्शनल पर जाता है उस दिन की खबर के लिए, जो कि सारे एडिशन के संपादक, ये प्लेसमेंट की बात अलग है कि उसको वो ऊपर रखता है, नीचे रखता है, कोई लोकल खबर बहुत इंपॉर्टेंट है उसको उठाता है,
पर मैं जो एक संपादक के तौर पर अगर मुझे कहें कि आपको क्या खबर महत्वपूर्ण लगती है, अफगानिस्तान लगती है कि अफगानिस्तान भी ऑन गोइंग है, चल रहा है, वहाँ रोज के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो जो करनाल वाला जो ये जो अफगानिस्तान ये जो छत्तीसगढ़ वाला मामला है, ये YouTube के लिए भी बहस का विषय है और बहुत जबरदस्त विषय है ये, इसमें कि इसको कैसे आप एक्सप्लॉइट करते हैं, कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। जैसा कि मैंने कहा कि अखबार में लेखन का पूरा इशू है, कैसे लिखी जाती है, इसका उदाहरण मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि टेलीग्राफ है कि वो कभी जो आप कह रहे हैं कलकत्ता का टेलीग्राफ कि उस दिन की प्रमुख खबर दूसरे अखबारों की क्या है उस पर नहीं जाता है, उस दिन की प्रमुख खबर क्या होना चाहिए उसके पाठकों के लिहाज से उस पर जाता है। और इसीलिए आप पाएंगे कि कुछ हद तक हिंदू, कुछ हद तक इंडियन एक्सप्रेस, कुछ हद तक टेलीग्राफ, ये एक्सेप्शनल जर्नलिज्म की तरफ हम लोगों को ले जाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।